राजधानी भोपाल में दिवाली पर बिना लाइसेंस वाले पटाखा व्यापारी किसी भी तरह के पटाखे को नहीं बेच पाएंगे। सरकार ने देवी देवताओं की तस्वीरों वाले और चाइनीज बम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। व्यापारियों ने भी फैसला लिया है कि चाइनीज और देवी देवताओं वाले पटाखे नहीं बेचेंगे। डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका दुकानदारों से पालन करवाया जा रहा है और अगर कोई व्यापारी अवैध रूप से पटाखा बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही त्योहारों को देखते हुए शहर में करीब 3,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जो सरकार के दिशा निर्देश हैं पटाखों के संदर्भ में, डिस्टेंसिंग के संदर्भ में, कोविड रेगुलेशन के संदर्भ में, पुलिस और प्रशासन साथ में मिलकर के लगातार उसका पालन करा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं उसके बारे में। करीब कितना पुलिस बल लगा होगा पटाखों की दुकान के आसपास में सब देखिए? वो तो ओवरऑल सिर्फ पटाखों की दुकानों के आसपास नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था भी, आज धनतेरस का दिन है तो ट्रैफिक व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, पूरा ज़िले का जितना बंद है 2500 से लेकर के 3000 आदमी का सारा कुछ व्यवस्थाओं में ही लगा हुआ। आज प्रायोरिटी का दिन है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, सुरक्षित महसूस करें, व्यवस्थाएं ऐसी रहें कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना,